गुड मॉर्निंग साथियों, अभी आपने देखा था डीएलएड की फोर्थ सेमेस्टर की मैथ थोड़ा देर पहले जस्ट अभी ख़त्म हुई थी। अब हम आ गए सेकंड सेमेस्टर में और आज हम पढ़ेंगे आठवीं क्लास, कक्षा कौन सी होगी, क्लास डीएलएड की क्लास चल रही है, मत समझना है क्लास आठ लिखा यानी एट ग्रेड का मैथ होगा ना, डीएलएड बीटीसी। और एक सबसे बड़ी बात बता दें शुरू करने के पहले, ये सिर्फ डीएलएड वालों के लिए नहीं होगी बल्कि बोर्ड मास के रूल और कोष्ठक पर आधारित सवाल जवाब जो हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न ना, वो एसएससी बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, डीएलएड, यूपीएसआई बैंक, बिहार पुलिस, बिहार के जो जनरल का एग्जाम होता है कॉम्पिटिशन, हर जगह के लिए मान्य होगी। तो ये मत सोचना सिर्फ डीएलएड की है भाई, छोड़ो इसको, छोड़ना मत, ठीक। तो ये कि प्याज की तरह क्लास है, आप जान रहे हो प्याज की कीमत पड़ रही, उस प्याज का आप नान वेज में भी यूज करते हो, वेज में भी यूज करते हो, है ना, पकौड़ी भी बनाते हो और दाल फ्राई भी करते हो, तो देखना ज़रूर। तो बस चलिए शुरू करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नहीं पार नहीं होती। बस पुरानी लाइनें हैं, क्लास नई है। बोर्ड मास का जो पहला अक्षर है वो बी होता है ना, आपके सामने ही दिख रहा है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है बोर्ड होता है, ये बोर्ड जो मैंने लिखा हूँ जिस पे, या फिर ब्रेकट होता है, या ब्रांड होता है, ब्रांड जानते हो ना, या नॉट होता है। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो लगभग सभी जानते होंगे, कोई ऐसा ना होगा जिसको ना पता होगा। क्या होगा आप बताइए, बी का मतलब क्या होगा? ब्रेकट आउट का होगा कह रहे हैं, चलिए ठीक है। बी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ब्रेकट होगा, ब्रेकट मतलब जानते हो ना, कोष्ठक जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी सही। देखो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखे हैं, एमसीक्यू और अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय सभी प्रकार का क्वेश्चन करवाएंगे, जैसे आपके पेपर में आता कुछ उस टाइप का। कोष्ठक में सबसे पहले किस कोष्ठक को हल करते हैं, जल्दी से जवाब दो, सवाल नंबर दो है। अगर इसका पहला सही है तो लिख दो 2A, अगर दूसरा सही तो लिख देना 2B, और डी वाला सही तो 2D लिख दो। इसमें अगर बी सही था तो आप 1B लिख सकते हो, हाँ लेकिन बी भी ना लिखना क्योंकि बी भी बहुत खतरनाक वर्ड होता है, बात समझते हैं ना, ठीक ना, समझ गए ना, चलें। हाँ जी, कुछ लोग सोच रहे होंगे कहाँ चलेंगे, अभी बताएंगे, पहले पढ़ लो तब। तो तीसरा क्वेश्चन देखो अगला, लघु उत्तरीय में, लघु उत्तरीय में क्या कह रहा है, लघु उत्तरीय में कह रहा है कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका आंसर नहीं समझ पाए क्या? सबसे पहले छोटा कोष्ठक करते हैं, लो मैं पहले आपको थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ, तब टेंशन मत लेना, समझाने की गारंटी होती है पूरी, बस ऐसे ही सामने सामने, बाकी और कहीं कोई प्रमाण पत्र नहीं देते हैं। जैसे इसको बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, ठीक, अभी क्वेश्चन भी करवा देंगे, इसको मझलका कोष्ठक बोलते हैं, मझला, अरे ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, हमसे गड़बड़ हो गया है, ये इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक, समझ गए ना। तो मुख्यतः यहाँ पर तीन ही कोष्ठक आपको मिलते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम रेखा कोष्ठक हल करते हैं, अगर रेखा कोष्ठक उपस्थित होता है तब, नहीं होता तो फिर कोई बात नहीं, फिर ये करते हैं, फिर ये और फिर ये, उधर से नंबर लिख लो 1, 2, 3, 4, ये इनका सीरियल होता हल करने के स्थिति में। कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे करते हैं, तो क्लास सातवीं आपने नहीं देखा ना, सातवीं क्लास देख लेना, आठवीं क्लास है, वहाँ पर हमने ये सब बहुत अच्छे से बताया, एकदम घोल के पिला दिया आपको, आप भी पी लेना थोड़ा सा, ठीक ना, आने लगेगा। अब क्या है, कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, ये तो पहले वाले में सारा उत्तर खा लिया इसका, अब इसमें क्या बताऊँ, ये कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं आपके सामने है, लिख लो 4 प्रकार के होते हैं ना, बना के दिखा भी देना, अगर बना के दिखा दोगे ना तो और ज़्यादा नंबर मिलेगा, मतलब पूरा का पूरा मिल जाएगा। जैसे कोई चीज़ अगर आपको मिले काम करने के लिए तो उसको आप कुछ एक्स्ट्रा अच्छे से कर दीजिए बस। कुछ अगले क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने, पहला इसमें कह रहा कि सरल कीजिए, यानी कि जो अभी हमने आपको बताया था वही सवाल आपको मिल चुका है, इधर साइड में देख लेना, हल करके दिखा देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक ना। देखो तीसरा है ये, किसमें का, अति लघु उत्तरीय का तीसरा है, इसको सरल करना है, बोर्ड मास रूल जो अभी आपने पढ़ा वैसा ही है। और बाकी एक इसमें और है, कह रहा गुणा करिए 315 का 175 में, और एक कह रहा जोड़िए इसको, तो लघु उत्तरीय है नीचे वाला, उसके ऊपर जो है वो अति लघु उत्तरीय है, यहाँ जगह काफ़ी दी गई है आपको, बिना किसी टेंशन के आप कर सकते हो। तो साथियों ये सवाल हम बगल में भी तो लगा सकते हैं ना, बगल में तो पूरा मैदान है एकदम,
है ना। चलो ठीक है, ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हमने अभी आपको बताया था छोटा कोष्टक हल करेंगे, तो छोटा कोष्टक तक सब कुछ वैसे उतार लो। पहले ये कोष्टक लगा लिया, तीन को लिख लिया, माइनस लगा दिया, मजल का कोष्टक लिख दिया, दो माइनस, देखो ये भी ये 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 और ये मैंने कर लिया। अब हम यहाँ आ गए, इसको हल करेंगे। जब आप दो से भाग करोगे छः में तो कितना जाएगा, तीन बार ना, दो तिहाई छः मतलब तीन आएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, तीन। बात समझ गए ना, ये हो गया क्लियर मामला, इतना सही ना, ठीक। तो ये इस तरह से आपका इतना आ गया। आप क्या करोगे, तीन माइनस, आप जानते हो कि जब दो से तीन घटाओगे कितना आएगा, माइनस एक आएगा। आप इसे कर लो, यहाँ पे लिख लो माइनस एक, ये हो गया। और ब्रेकेट खोलोगे तो तीन और माइनस का ये वन हो जाएगा, इक्वल क्या आएगा, चार। इस तरह से कितना आया, फोर आ गया ना। नहीं समझ में आएगा तुरंत बताना, अगर कोई कन्फ्यूजन लगेगी तब भी बता देना बिना किसी टेंशन के। बाकी तो इसमें कुछ नहीं था ना, फोर आ गया, नोट कर लो। स्क्रीन शॉट लेना नहीं जानते तो बताना, मैं बार बार बोलता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लिया करिए और क्वालिटी को चेंज कर लो, जिससे आपको फुल HD में दिखे, एकदम फुल HD में। और आप लोगों की कृपा दृष्टि से अब कैमरा भी आने वाला है, जो कि जल्दी ही आ जाएगा। अगले महीने से आपकी क्लास जो है वो DSLR कैमरा से होने लगेगी, और फिर आप लोग कुछ और अच्छा अनुभव करेंगे। और उसके बाद हमारी कोशिश होगी अक्टूबर में हम उन सभी भागीरथियों का नाम बोलेंगे जिन्होंने आज तक PVR स्टडी क्लास को ज्वाइन किया है और ज्वाइनिंग चार्ज पेमेंट किया है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज ये क्लास चल रही है, वरना अब तक हम पता नहीं कहाँ होते, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। इसको क्या कह रहा है, गुणा कीजिए, तो इधर साइड में कर लो, मैदान है ना, इधर निपट लो, इधर साइड में ये 315 और 175, किसी भी वर्ड का अच्छा मतलब निकालना, नहीं तो यहाँ पे ढेर सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका बहुत सारा मतलब निकलता है। गुणा करने के लिए यहाँ कोई ट्रिक या शॉर्टकट नहीं बताएंगे, क्योंकि ये DLED की क्लास है, यहाँ पर ट्रिक नहीं लगाएंगे, SSC की क्लास नहीं है। तो हम बिल्कुल विस्तार से बताएंगे शुरू से। पहले दाहिनी साइड से एक एक अंक को पकड़ के पूरे में गुणा करते हैं, ये 25 का 5 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7 और 5 तिहाई 15। बात समझ में आई ना, ये तरीका होता है। 25 का 5 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 5 तिहाई 15, 7 पचे इधर क्रॉस कर दो, एक अंक छोड़ देते लास्ट में, ठीक। 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10, फिर से देख लो, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 एकम 7, 3 10 0 हासिल 1, 7 3 21 1 22। और आगे एक का गुणा कर लो तो वही 315 हो जाएगा, ठीक। अब ये हो गया 5, 7 5 12 हासिल 1, 5 5 10 11 हासिल 1 और 2 2 4 1 5 और 3 2 5, कितना आ गया, 55,125, 55,125, ठीक, ओके। अब आ जाओ लघु उत्तरीय प्रश्न पर, ये उससे भी बड़ा माना जाता है, इसको जोड़ना है, जोड़ने में कौन बहुत बड़ा, इसमें तीर मारना है। कर लोगे ना, कर तो आप लोग सब कुछ लोगे, लेकिन उसको पहले सिखाना पड़ता है ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोग बिना सिखाए सीख लेते हैं, बाकी हर चीज़ आपको सिखाना पड़ता है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप बिना सिखाए सीखते हैं, कमेंट करके बताना, कोई कर सकता है तो, ठीक। आगे देखना, इसको जोड़ना है, जोड़ोगे पहले नंबर लिख लिया, दूसरा लिख लो, पीछे साइड से लिखना याद रखना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। पहले जीरो लिखोगे, फिर टू, फिर वन और फिर टू, इसको जोड़ना है, पीछे से लिखना फोर, फिर क्या लिखोगे, फाइव और फिर वन। इसी टेक्निक के लिए जोड़ने को आपको दिया भी है, नहीं तो नहीं देता। ये तरीका देखना, कुछ लोग ऐसे करेंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे, वो कृपया अपनी आँखें खोलें, ये बिल्कुल गलत है, ठीक। पीछे साइड से नहीं लिखते हैं, मतलब आगे से, हमेशा इकाई अंक से लिखना शुरू करते हैं नंबर को। ये इधर भले एक अंक छूट जाए, लेकिन उधर ना छूटने पाए पीछे साइड, ठीक ना। जैसे आपने देखा होगा, बताएंगे नहीं लेकिन, अब यहाँ जाने दो, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 और 5 कितना हुआ, 8 हासिल मत भूलना, 1 9, 1 1 2 और 2 1 3। अरे ऐसे देख लो यार, कुछ लोग कह रहे होंगे 2 का होता है,
फोर में एट एट करोगे 12 होगा, 12 का टू कैरी आएगा 1, 2 1 3, 3 5 8, 8 में 1 एट करोगे 9, और 1 1 2 और 2 1 3, ठीक ना, जैसे चलोगे वैसे चलाएंगे। तो ये चार क्वेश्चन हो गए, अब जल्दी जल्दी लिख लो इनको। और हाँ, 8 बजे से कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ देखना ना भूलना, लाइव होगी, लाइव आप सभी के नाम बोले जाएंगे जो कमेंट करेंगे। 8 बजे से सुबह 8 बजे से देखना जरूर, भूलना मत। आगे देखिए अगला सवाल। देखो साथियों, ये लघुत्तरीय का तीसरा चौथा दूसरा सवाल है, बाकी उसके पहले आपने बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय का कर लिया। आज आप अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत मज़ेदार सवाल है सभी के लिए। ये आपके किताब में सवाल दिए गए हैं डीएलएड का सेकंड सेमेस्टर में, ये मत सोचना कि ये कक्षा एक दो का काहे पढ़ा रहे। हाँ, कह रहा कि किसी संख्या में भाज्य दिया है, भाज्य मतलब क्या होता जानते हैं, डिवाइजर, डिविडियंड होता है। हाँ, डिविडियंड दिया है, डिवाइजर दिया है और क्वेशियंट दिया है, तो रिमाइंडर पूछा है, शेष पूछा है, बताओ कैसे निकालेंगे, बड़ी मुसीबत है ना। हाँ, एक तरीका तो ये है कि आप इसको भाग दे लो अगर पहचानते हो तो, ऐसे भाज्य 27 है, भाजक 3 है, भागफल ऊपर खोपड़ी पे जाता है, ये हो गया, घटाओगे तो 0 आया, शेषफल कितना आया, 0 आया ना। दूसरा तरीका इसको निकालने का ये है कि एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा ये भागफल और धन शेष। तो भाज्य दिया है 27, भाजक दिया है 3, भागफल दिया है 9, शेषफल निकालना है, तो कर लो ना, काहे को मुसीबत है, 27 इसका गुणा करोगे 27 हो जाएगा, इधर ले आओगे माइनस में, बराबर शेष, ये 0 बराबर शेष, बात समझ गए ना। ये दोनों तरीका है, आप चाहे जो आजमा लो, आपके मुट्ठी में है ये बस। देखो इसमें थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, हमारी कोशिश है कुछ और, चलो ठीक है, अब तो नहीं मुसीबत ना, बड़ा दिखने लगा ना, नोट कर लो जल्दी से, चलिए अगला करते हैं, हो गया, जल्दी करो, तुरंत नोट करो, देर नहीं करो, फटाफट करो, फटाफट एकदम फास्ट सुपर फास्ट लिखा करो, हो गया। हाँ तो साथियों, अब हम आपको और क्या बताने वाले हैं, अगला क्वेश्चन तो आप पढ़ के जान गए होंगे, नहीं लिख पाए तो वीडियो को पीछे करके लिखो तुरंत। देखिए स्क्रीन शॉट लिया करिए और डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनिए, लिखने उखने वाला झंझट छोड़िए क्लास के टाइम में, लिखा करिए बाद में। कह रहा कि वैभव 112 रुपया लेकर बाजार गया और उसमें से 68 रुपया का सामान ले लिया, अब बताओ उसको घर में हिसाब देना है कितना रुपया बचेगा। इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, काहे लिए मालूम है, जब पहले हम लोग छोटे थे ना, घर से बहुत सारा सामान लाने के लिए एक झोला मिलता था और ढेर सारा सामान बताया जाता था और पैसा मिलता था, तो हम लोग क्या करते थे पता है, हम और हमारा एक छोटा और भी था, वो भी जाता था, नहीं तो अकेले ही जाते थे, तो हम लोग उसमें से कम 5 रुपया या 10 रुपया तो कभी नहीं, वैसे मार पड़ती थी मालूम हो जाता था, तो 5 रुपया पक्का बचाते थे किसी न किसी तरह से। लेकिन आप लोग मज़ा मत लेना, नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। और ये समझ लो कि आज से 10 साल 20 साल पहले छोटे बचपन में 5 रुपया ना आज के 5000 के बराबर महसूस होती है, ठीक ना, तो वो सब बात कुछ और ही थी। तो वैसे ये अभी बाज़ार जा रहा है 112 रुपया लेकर के, और कितना रुपए का सामान ले रहा है, मात्र 68 रुपए का ले रहा है, तो कितना रुपया बचा कह रहा है, आप लोग जोड़ घटाना जानते हो ना, घटा लो इसमें से ऐसे खोपड़ी पे लिख के इसके ऊपर, ठीक ना, ये 12 में से 8 गया 4, इसमें से उधार गया है बना 10 10 में से 6 गया तो 4, उसके पास 44 रुपया बचेगा, आप देखो घर पे कितना देता है भाई। हाँ एक बात ये भी कहते हैं, घर से कोई भी चीज़ लिया गया वो चोरी नहीं कहलाता है, लेकिन ये भी एक सच है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो घर से ही शुरू होती है ना। तो हाँ ये एक बात और बता दें अपनी सफाई के तौर पर, कि जो हम लोग बचाते या लेते थे ना उसको बाद में बता देते थे अगले दिन, ऐसी बात नहीं है कि चुरा लेते थे, तो चोर मत मानना भाई, ठीक ना। आगे चलें, 5 रुपये के हिसाब से 115 रुपया कितने आदमियों में बांटा जा सकता है, कितना रुपया, 5 रुपया के हिसाब से, मतलब कुल मिलाकर के 115 रुपया है, तो अगर 5-5 रुपया सभी को दिया जाए तो कितना लोग पाएंगे इतने में। इसके लिए क्या करोगे पता है, भाग दे दो इसको, बस इसको भाग दे दो, बाकी कुछ नहीं करना है, 115 में भाग दे दो 5 से, 115 नहीं है जी, 1115 है, 5 से भाग दो, 5 दूना ये 10,
घटाओगे एक आ गया, ऊपर से एक उतार लो, फिर 5 × 2 = 10, घटाओगे एक आ गया, ऊपर से 5 उतार लो, 5 × 3 = 15, कितना आया 223। यानी कि अगर आप 5 5 रुपया सबको दोगे तो 223 लोगों को बांट सकते हो और अच्छा खासा नाम कमा सकते हो, बिल्कुल नेता और मंत्री की तरह। जैसे वो लोग क्या करते हैं, फर्श पर, वो फर्श जहाँ पोंछा लगा रहता है कई बार, वहाँ पर झाड़ू लेके खड़े हो जाते हैं कूड़ा साफ करने, तो वो बात अलग है, समझ गए ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, फिलहाल थोड़ी तो चेंजिंग करो ना जी, अब आप ही लोगों के हाथ में है। चलिए अगला चलते हैं साथियों, अगले कुछ सवाल आ गए हैं, लेकिन इन सवालों में कुछ अनसुलझे हुए सवाल हैं। कह रहा कि एक दर्जन केले का भाव 15 रुपया है, तो 15 दर्जन केला कितने में आएगा? आप लोग केला खरीदते होंगे दुकान पे, मोटा मोटा बड़ा बड़ा सब लेना चाहते हैं, लेकिन पैसा कोई नहीं देना चाहता है, ऐसा एक दुकानदार मुझसे बोल रहे थे, उनका नाम ना बताएंगे आपसे, मतलब समझना। एक दर्जन में पहले आप लोग ये बताओ कि कितना केला होता है। अरे केला ही नहीं, कोई भी चीज़ दर्जन में लोगे तो दर्जन में उतना ही आएगा, ज़्यादा कम नहीं होता। कि केला जो है अगर लोगे तो एक दर्जन में कुछ और होगा, सेब खरीदोगे तो कुछ और होगा, लेकिन हाँ उसके मापने तौलने का तरीका अलग अलग होता है। केला को दर्जन में आप खरीदते हैं, हम खरीदते हैं, दूध को लीटर में लेते हैं और चीनी को किलो में लेते हैं, वो सामान पर डिपेंड करता है। तो ये सब बात तो बात की बात थी, जाने दो। एक दर्जन केले का मूल्य क्या है, इधर लिख लो, एक दर्जन केले का मूल्य 15 रुपये है, तो 15 दर्जन का पूछ रहा है। 15 था कि 12 था जी? हमने तो 15 लिखा, फिलहाल इसमें 12 दिया है, 15 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 दर्जन का क्या करोगे, 15 दर्जन केले का मूल्य 15 × 15 = 225 रुपया होगा। कितना होगा? 225 रुपये होगा। एक रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन एक घंटे में, मतलब 60 मिनट में 120 किलोमीटर चलती है, मतलब दौड़ती है, तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी? ये ट्रेन तो हम बाद में ले जाएंगे, लेकिन पहले इसको देख लो, ऊपर वाली लाइनें, आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपकी आने वाली संतानें आपको और हमको गाली ना दें, इसलिए आज से पॉलीथीन का प्रयोग बंद कर दें, पेड़ बिजली और पानी बचाएं। आप लोगों को लग रहा होगा यार क्लास में कौन सा बकवास शुरू कर दिए, है ना बकवास लग रहा है ना, लेकिन ये बकवास नहीं है, ये उसी तरह से है जिस तरह से मैं आपको अगर अलग भाषा में बताऊं तो आपको बुरा लगेगा, खिलाफ है, जाने दीजिए, नहीं बताएंगे, मतलब समझना बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। आप कह रहे हो कि हर जगह बाढ़ आ रही है यार, ये पानी बचाने को काहे बोल रहे हैं? देखो केरल डूब रहा है, प्रयागराज डूब रहा है, उत्तर प्रदेश में देखो औरैया डूब रहा, कुशीनगर डूब रहा, सब तो डूब रहा है, पानी बचाने को काहे बोल रहे हैं? अरे किसी के दिल से पूछो जो उसमें डूब रहा, क्या उसका पानी पीता है? वो नहीं पीता है। तो ऐसे पानी की कमी नहीं, धरती पर बहुत पानी है, लेकिन पीने वाला पानी ना मिलेगा। अभी जो आज आरओ का पानी पी रहे हो ना, कल उस आरओ में वही गढ़ही वाला पानी फिल्टर करोगे, फिर बात समझ में आई, इसलिए पीने वाला पानी बचाइए। कुछ ऐसे भी बुद्धिमान हैं, वो क्या करते हैं, कहीं जाते हैं तो उनका कभी कमरे का स्विच नहीं बंद होता है, जो कमरे का किराया लिए हुए हैं वो तभी बंद करते हैं जब मकान मालिक कमरे में मीटर ठोंका होता है, अगर मीटर नहीं लगा होता तो नहीं बंद करते हैं, अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, ठीक ना। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा पहल शुरू करेंगे ना तो हर जगह शुरू होगा। इसकी हम अलग से क्लास लगाते हैं इन बातों की, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता है। एबीपी न्यूज़ और आज तक जो आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े चैनल हैं न्यूज़ वाले, ये सब पहले तो ये कभी मुद्दा शामिल करते नहीं, क्योंकि इसको कोई देखना चाहता नहीं। हमने देखा एक मुद्दा एक बार एबीपी न्यूज़ ने पानी के बारे में 2-3 बार शामिल किया है, 20 मिलियन में से मात्र 3,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, कितने अफसोस की बात है, इसको कोई नहीं सुनना चाहता। प्रयागराज में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर दिन रात पानी बहता है और लगभग सालों से बह रहा, 6 महीना से, और उन बेवकूफ़ों से पूछो आज उनका घर पानी में डूब चुका है। अगर पानी वो बचाएं तो प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा, मतलब बात समझ रहे ना, क्योंकि नीचे से धरती की कोख खोखली हो जा रही है, खोखली मतलब समझ रहे हो, जैसे एक गुब्बारा होता है ना, उस पर ज़्यादा भार रखोगे तो फूट जाएगा, चिथड़ा हो जाएगा सब, उसी तरह से तो गुब्बारे की तरह धरती को ना बनाओ, धरती को एक ठोस पत्थर की तरह बनाओ, नीचे पानी भरा है उसी की मजबूती पर सब रुका हुआ है। नीचे से जब पानी सब निकल जाएगा ना तो क्या होगा मालूम है, जब धरातल का जल खत्म हो जाएगा तो जगह जगह भूस्खलन होगा, जैसे जमीन जो है ना नीचे घुस जाएगी, मकान वगैरह नीचे चले जाएंगे, पताल में मालूम ना चलेगा कहाँ गया। इसलिए पानी नीचे का जो भूतल है, जिसे क्या बोलते हैं, धरातल का जो पानी है उसको बचा रहना चाहिए,
नहीं तो देखो आगे क्या होता है। हम तो अपने तरफ से फिलहाल कोशिश कर रहे हैं, हमारी यही कोशिश है कि इस क्लास में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, अगर एक भी लोग इस बातों को पालन करेंगे और एक लोग को सिखाएंगे तो हमारा मिशन सफल होगा। लेकिन हमारा निवेदन होगा कि अधिकतर लोग आप इसको समझिएगा भाई। चलिए रेलगाड़ी पे चलते हैं। कुछ लोग तो भाग गए होंगे, सोचे होंगे छोड़ो क्लास बंद हो गई। एक रेलगाड़ी एक घंटे में 120 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितना चलेगी? गुणा कर लो ना, 120 का 5 से 12, 560, 600 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा? 600 किलोमीटर आएगा। देखिए कहते हैं ना, आपने देखा होगा गांव में या शहर में कहीं भी आदमी क्या पालता है, जानवर। जानवर में क्या होते हैं जो दूध देते हैं, भैंस या गाय। उनको अगर दवाई खिलाना होता है ना तो क्या करते हैं, वो ऐसे नहीं खाती हो, उनको रोटी में मिला करके, आटा में मिला करके चुपके से खिला देते हैं। तो आप लोग अपनी तुलना उनसे मत करना, सॉरी उसके लिए, मतलब मैं बता रहा हूँ। इसलिए जो बातें लोग नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते हैं ना, उसको हम दूसरे तरीक़े से समझा देते हैं कि उनके अंदर वो चली जाती है बातें, बस वो चाहें या ना चाहें। तो लेकिन आप भी चाहिएगा तभी होने वाला ये, ठीक। तो एक घंटे में कितना जा रही है? 120 किलोमीटर। कह रहा कि 5 घंटे में कितना जाएगी? 5 से गुणा कर दो 120 को, 12 पंचे हो जाएगा 60। कितना आ गया? 600 किलोमीटर। बात समझ में आई ना? नोट कर लो जल्दी से, अभी अगला सवाल भी होगा। ये मत सोचना बस यही सब होगा जो हो रहा है। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन के नंबर पर मत जाना, कोई भी नंबर हो बस देखना। कह रहा है इसको सूत्र द्वारा हल कीजिए, डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर में ना आएगा तो बताना पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर जितना सवाल हमने बताया अगर इसमें से एक भी ना मिलेगा ना तो बताना, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हाँ, ये मत सोचना कि यही 437वां लिखा होगा, हो सकता है इसकी जगह पर 121 मिल जाए, इसकी जगह पर 15-20 मिल जाए, मतलब एक ही नंबर रहेगा 15-15। तो टॉपिक समझना, तरीका समझना। देखो कह रहा सूत्र द्वारा, इसमें कोई सूत्र बनेगा? आपने बचपन में पढ़ा होगा कि बुढ़ापा में पढ़ा, मुझे नहीं मालूम है, ये पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, मैंने थोड़ा फास्ट लिखा है, पता है। ए ए ये क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी बी, फिर वही वर्ड आ गया ना जो मैंने कहा था कि मत बोलना, ये 163 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस मतलब इनको जोड़ दो, ए माइनस बी 437 माइनस 163, जोड़ोगे तो क्या होगा मालूम है? 7 3 10 का 0 हासिल 1, और 6 3 9 1 10 हासिल 1, और 4 1 5 1 6 600 आ गया ना। घटाओगे तो क्या होगा, एक बार फिर से देख लें, 7 3 10 हासिल 1, 6 3 9 1 10 हासिल 1, 4 1 5 1 6 घटा लो, 7 में से 3 गया तो 4, और 3 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो इधर से कहा जाएगा उधर उधार जाएगा, 13 में से 6 गया क्या होगा, 7 होगा, और 3 में से गया 2, 274 आएगा, कुछ और आएगा जी, देख लो घटा करके। ये लो इधर 437 और 163 कर लो, ये क्या आएगा, 4, 13 में से 6 गया 7, इसमें से एक उधार गया था, 3 में से एक गया 2, 274 आएगा। इसका आपको गुणा करना है, बहुत आसान है, एकदम हलुआ है। कुछ लोग को लग रहा होगा इतना बड़ा है कैसे होगा, 20 है ना, इसको लिख लो चुपचाप 20। 6 का पहाड़ा आता है कि नहीं आता, सबको आता होगा, 6 का गुणा कर लो, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 7 42, 42 2 44 हासिल आवा कितना, 4, 6 2 12 4 16, देखो कितना ढेर सारा आ गया, 164,400 आ गया। फिर से देख लो, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 7 42 2 44 हासिल 4, 6 2 12 4 16। देखो फिर से काहे दिखाते हैं मालूम है, कभी कभी डिसमिस हो जाता है यार, तो आप लोग सोचते हो गलत गलत लगा दिए, तो मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है 100% सही बताएं आपको। अगर कहीं कोई त्रुटि होती है ना तो उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के उस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे जो साथी लोग हैं उनको पता चल सके और हमें सूचित करें, तो हम उस क्लास को यूट्यूब से हटा सकें जिसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान होगा, ठीक ना। वैसे कोशिश होती, कहीं ऐसा होता नहीं है, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। आगे देखना, अगला सवाल है, ये भी कह रहा कि सूत्र की सहायता से लगाइए, लेकिन इसको अब ना बताएंगे यार, बहुत सारा हो गया, चलो छोड़ो जाने दो, अब इसको आप लोग खुद से करोगे, खुद से कर लेना, ठीक ना। देखो अगला सवाल कुछ इस तरह का दिया है, क्या दिया है, 387 को 2 बार गुणा किया गया, फिर 114 को किया गया, फिर 2 × 387 × 114 किया गया, कह रहा इसको सूत्र से लगाओ, ये इसमें ये सूत्र लगेगा, लिख लो,
बात समझ में आई ना, ये इतना दिया है आप इसको बना लोगे, इससे आगे समझ में। और हाँ, जो लोग डेली इस क्लास को देखना चाहते हैं वो जल्दी से नंबर नोट कर लें, और जो लोग ऐसे YouTube पर मज़े लेना चाहते हैं वो ऐसे लेते रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें। तो जो कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं घर बैठे, वास्तव में सीखना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर लें, ये नंबर नोट कर लें। ज्वाइन करने के लिए नाम मात्र का एक बार 549 रुपये का पेमेंट करना है, जो कि सितंबर 2019 की अपडेट है, बाद में अपडेट होगा तो आप लोग समझिएगा। रुपया 549 का पेमेंट करना होगा, सिर्फ एक बार करना होगा, पूरा कंप्लीट डीएलएड का सेकंड सेमेस्टर का मैथ मिलेगा, थर्ड सेमेस्टर में जाना तो फिर से करना, ठीक। ये व्हाट्सएप का नंबर है, और ये फ़ोन पे का भी नंबर है, और ये गूगल पे का भी नंबर है। आप इस नंबर पर किसी भी तरह से पेमेंट करके उस रसीद को, स्लिप को इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिएगा या स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। हमारी टीम आपका सिस्टम जो भी आप भेजे रहेंगे उसको रिव्यू करके आपको क्लास में जोड़ देगी, आपको इकट्ठा क्लास दे दिया जाएगा। आप चाहें तो इस क्लास को कम समय में देख सकते हैं, जैसे डेली इस तरह एक क्लास होती है, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो एक दिन में आप 10 क्लास भी देख सकते हैं, वो भी एक सिस्टम से, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, यूट्यूब पर आप खोज के ऐसी कभी नहीं पा सकते हो, ठीक ना। और हाँ, ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा, आपका नाम उसके बाद अगली लाइव में बोला जाएगा। हमारी कोशिश है, आप लोगों के ही प्यार से ये PVR स्टडी चल रहा है, और आज हम आप लोगों के साथ जो भी कुछ हैं आप ही लोगों की वजह से हैं। तो साथियों, बस अपना कृपा दृष्टि ऐसे बनाए रखना, इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत, बस देश के लिए कुछ अच्छे करते रहना और हमारे साथ बने रहना। शुक्रिया।